थैंक यू सो मच माय डियर रिटेल फ्रेंड्स एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड रियली वेरी थैंकफुल टू यू दैट यू हैव क्लिक्ड ऑन माय चैनल रिवोली रिटेल टेक। सो डियर फ्रेंड्स, टुडे आई हैव गॉट अ न्यू टॉपिक फॉर यू। क्या है वो टॉपिक? दैट टॉपिक इज हाउ टू हैंडल अ एंग्री कस्टमर। सो डियर फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपके स्टोर में ज़रूर ऐसी सिचुएशंस कई बार आती होंगी जब आपको एक एंग्री कस्टमर को हैंडल करना पड़ता होगा। एंड एज़ पर मी, इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग आस्पेक्ट इन एनी ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स लर्न अ फॉर्मूला। फॉर्मूला, यस, आई एम सेइंग इट इज़ अ फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले पे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे और इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली बी एन एक्सपर्ट टू हैंडल एनी कस्टमर इन योर स्टोर और एनीवेयर वेयर यू आर। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो फ्रेंड्स, व्हाट आई बिलीव दैट टू हैंडल अ एंग्री कस्टमर इज द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट इन एनी ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री। आप लोगों के भी स्टोर में जब कस्टमर आते होंगे, और कस्टमर सर्विस डेस्क ज़्यादातर आजकल सभी स्टोर्स में होती है, तो जब वह किसी भी कंप्लेंट के साथ एक कस्टमर आता है और वहाँ पर खड़ा हुआ एसोसिएट जब उस कंप्लेंट को हैंडल नहीं कर पाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? उस सिचुएशन में एक कस्टमर नॉर्मली क्या बोलते हैं, कॉल योर मैनेजर। होता है ना अक्सर ऐसा? बिल्कुल, आप मुझसे ज़रूर एग्री करेंगे, मैं भी उसी फील्ड से हूँ तो मैं जानता हूँ कि ऐसा ही होता है। जब कस्टमर उस एसोसिएट को बोलते हैं कॉल योर मैनेजर, तो ऐसा नहीं है कि उस एसोसिएट को ये बोलना चाहिए कि नहीं, मैं ही मैनेजर हूँ, मैं ही कस्टमर सर्विस हैंडल करता हूँ, मैं ही सब कुछ कर लूँगा। जेम्स बॉन्ड नहीं बनना है। अगर वो सिचुएशन आपको समझनी होगी कि कब कस्टमर कितना एंग्री है, और कस्टमर जब बुला रहा है मैनेजर को, जस्ट गो एंड कॉल योर मैनेजर। जब कस्टमर ने जो बोला वो करने का, करेक्ट, तो जब आप जाएंगे, जाके अपने मैनेजर को बोलेंगे। अब मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस टाइम पे? मैनेजर को पहले ही उस कंप्लेंट को उस एसोसिएट से सुन लेना चाहिए, उससे पूछ लेना चाहिए कि क्या कंप्लेंट है, बताओ मुझे। पूरा कंप्लेंट समझने के बाद फिर आप उस कस्टमर के पास जाएंगे, लेकिन ये क्विकली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कंप्लेंट ही सुन रहे हैं, 15 मिनट निकल गए, कस्टमर वहाँ पर वेट कर रहा है। इट इज़ यू नो कंप्लीटली नो, ऐसा नहीं करना है। आपको तुरंत 1 मिनट के अंदर वो प्रॉब्लम समझ लेनी है और तब कस्टमर के पास जाना है। अब कस्टमर के पास जाने के बाद अगर आप सोचिए, अगर आपने उस एसोसिएट से कुछ नहीं पूछा उस कंप्लेंट के बारे में, तो आप वहाँ पे जाके कस्टमर से कहेंगे, हाँ सर बताइए आपकी क्या कंप्लेंट है। अब आपने इतना बोला, कस्टमर तो पहले से ही एंग्री मूड में बैठा हुआ है, उस पर क्या असर पड़ेगा आपको, आप समझ सकते हो। फिर वो और डबल गुस्सा नाराज़ हो जाएगा और उस टाइम कहेंगे, आपको बताया नहीं इन्होंने, मैं कितने लोगों को बताऊँ। इस तरीके की सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। तो इससे बेहतर होगा कि आप पहले ही उस एसोसिएट से पूछ लें कि यस, आप मुझे कंप्लेंट पूरा एलेबोरेट कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। ओके, नाउ अब आप गए कस्टमर से, आपने पूछ लिया, अब आपने सीधे कस्टमर को डायरेक्ट जाके बोला, सर आई गॉट योर कंप्लेंट एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। जैसे ही आप ये बोलेंगे तो 20% कस्टमर वहीं पे शांत हो जाएगा। 10% तो यही शांत हो गया कि चलो भाई मैंने बुलाया, मैनेजर आ गया। बाकी 20% वो आपके सॉरी वर्ड से, और आपको वो कंप्लेंट पहले से पता है, इस बात से 20% और डाउन हो जाएगा। नाउ अगर अब एक फॉर्मूला है यहाँ पर, अगर आप उस फॉर्मूले के स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आप एफिशिएंटली उस कंप्लेंट को हैंडल कर पाएंगे। कोई भी कंप्लेंट हो सकती है, आप उस फॉर्मूले को रिलेट करके देखिएगा प्रैक्टिकली जब भी आपके स्टोर में ऐसी सिचुएशन आती है, चाहे आप मैनेजर हों या एक कस्टमर सर्विस डेस्क के एग्जीक्यूटिव हों। आप इस फॉर्मूले को एक बार ज़रूर इंप्लीमेंट करिएगा, याद करिएगा स्टेप बाई स्टेप, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में फॉर्मूला मिस नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला इज लीड, LEAD S, लास्ट में S भी लगेगा, इट मीन्स लीड्स, LEADS, राइट। तो अब इसमें L क्या है? L इज़ लिसन केयरफुली। जब कस्टमर बोल रहा है उस टाइम आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको अच्छे से कामली उस कस्टमर की जो भी कंप्लेंट, जो भी वो बताना चाह रहा है, आप सुनिए बस, उसको टाइम दीजिए। जब वो बोले कि यस, अब आप बताइए आप क्या कर सकते हैं मेरी कंप्लेंट के लिए, फिर आपको फिर आपको L हो गया, L फॉर लिसन, देन E इज़ एम्पथाइज। आपको तुरंत अपोलोजाइज करना है कस्टमर को, उसको एम्पथी देनी है कि यस, मैं आपकी कंप्लेंट समझ चुका हूँ, और आपकी ये जो इस प्रोडक्ट के बारे में जो भी कंप्लेंट है, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ कि ऐसा हुआ आपके साथ, आपके प्रोडक्ट के साथ, हमारी सर्विसेज के साथ।
जब जैसे ही आप एम्पेथाइज करेंगे कस्टमर और काम हो जाएगा और उसको समझ जाएगा कि हाँ ये बंदा मेरी बात समझ रहा है, मेरी कंप्लेंट समझ रहा है और मेरे को अंदर से क्या दिक्कत, क्या समस्या, क्या परेशानी हो रही है अंदर से, वो इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा कस्टमर वहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा। देन कम्स टू ए, एल ई ए, नाउ ए इज़ फॉर अपोलोजाइज। सो अभी आपने कस्टमर को एम्पेथाइज किया, अब आप फिर से उसको एम्पेथाइज के टाइम पे सॉरी भी बोला, सब कुछ बोला, अभी फॉर्मली आपको अपोलोजाइज करना है और दिल से अपोलोजाइज, वो आपके जेस्चर से पता लगना चाहिए कस्टमर को कि यस द पर्सन हु इज़ इन फ्रंट ऑफ मी द मैनेजर इज़ रियली अपोलोजाइजिंग ऑन दैट पार्ट। तो जब आप ऐसा करेंगे कस्टमर को जेन्युइनली ये फील कराएंगे कि यस आपकी जो परेशानी है मेरी परेशानी है और मैं जेन्युइनली इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज कर रहा हूँ आपको, तो आप समझिए कि ऑलमोस्ट सारी कस्टमर कंप्लेंट्स यहाँ पर एंड हो जाती हैं 90% तक। अब बचा 10%, तो उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट आता है डू वॉट एवर द कस्टमर वॉन्ट। अगर कस्टमर की जो भी कंप्लेंट लेके आए कस्टमर, अगर आपके पास अथॉरिटी है उसको सॉल्यूशन देने की, सॉल्यूशन देने की अथॉरिटी मीन्स अगर कोई कस्टमर कुछ चीज़ एक्सचेंज करने के लिए आया है या उसके प्रोडक्ट में कुछ ऐसा जेन्युइन डिफेक्ट है कि आप उस प्रोडक्ट को आपकी अथॉरिटी के अंडर आता है कि आप उसको एक्सचेंज दे सकते हैं या रिफंड कर सकते हैं, देन यू कैन ऑलवेज ऑफर अ एक्सचेंज और रिफंड। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कस्टमर को उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और वो वहीं पे कंप्लेंट क्लोज हो जाएगी। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हम हमारी अथॉरिटी में नहीं होते और हम उनको एक्सचेंज नहीं कर पाते, तो कस्टमर को कामली उस सिचुएशन को समझाना चाहिए कि सर दिस इज़ नॉट द प्रोडक्ट विच एंड आई इवन डोंट हैव दैट मच ऑफ द अथॉरिटी, गिव अस सम टाइम सो दैट वी कैन जस्ट एस्केलेट द मैटर और आगे से जो भी मेरे पास इसका सोल्यूशन आएगा आई विल प्रोवाइड इट टू यू एंड डोंट वरी मैं आपके साथ हूँ। ऐसा कस्टमर को अगर आप बोलेंगे तो कस्टमर को कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ है, आपको आपने जब वो चीज़ रियलाइज़ करा दी कस्टमर को तो उसको ऐसा लग जाएगा कि यस ये मैनेजर मेरे साथ में और मेरी कंप्लेंट का कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर देगा ये। अब बात आती है नेक्स्ट इज़ एस, एस फॉर स्टैंड अप ऑन योर प्रॉमिस। अगर आपने कस्टमर को कुछ प्रॉमिस किया है, अगर आपने कुछ प्रॉमिस किया है परचेज से पहले कस्टमर को कि अगर आपके प्रोडक्ट के साथ इतने दिनों में ये ऐसा कुछ होता है या मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम होती है तो हम आपको एक्सचेंज करके देंगे या रिफंड करके देंगे या आपको इतने टाइम बाद कुछ भी ऐसा ऑफ़र किया है कस्टमर को, तो आपने जो वो प्रॉमिस कर दिया और प्रॉमिस को निभाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ही के जैसे रिटेलर्स और भी हैं, आप ही के जैसे सर्विस प्रोवाइडर और भी हैं मार्केट में, तो कस्टमर के पास ऑप्शन है वहाँ जाने का, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है कस्टमर को वापस बुलाने का अगर आपकी कस्टमर सर्विस पार्ट अच्छा नहीं है, अगर आपका कस्टमर सर्विस पार्ट अच्छा नहीं है, आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं है, क्योंकि कस्टमर एक बार प्रोडक्ट ले लिया कस्टमर ने, उसको आपने बहुत अच्छी सर्विस दी, लेकिन जब उस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम निकली उस टाइम पर अगर आपने उसको अच्छे से हैंडल नहीं किया तो हो सकता है कस्टमर नाराज़ होकर चला जाए लेकिन वो वापस कभी नहीं आएगा, ठीक है। और वो कंप्लेंट आजकल तो ट्विटर, फेसबुक और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगर वहाँ पर एस्केलेट होती हैं वो चीज़ें, तो वो एक अच्छा इम्पैक्टफुल चीज़ नहीं होती, बहुत गंदा इफेक्ट डालती है वो अपने ब्रांड इमेज पर। तो ऐसा सिचुएशन आए ना, उसके लिए हम ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, ये टर्म्स कुछ हम इनको यूज़ करेंगे तो आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली बी एबल टू हैंडल एनी कस्टमर कंप्लेंट इन योर स्टोर और एनी वे इफ़ यू आर देयर इन एनी ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, और जिसको भी आप शेयर करें प्लीज़, मैं उम्मीद करता हूँ जिसको भी इसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी उसी को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ, एक नए टॉपिक के साथ फिर मैं ज़रूर हाजिर होऊंगा आप लोगों के सामने। अगर आपको भी कोई ऐसा टॉपिक आपके माइंड में क्लिक होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।